में बताया जाता है कि हम एक दो तीन चार पांच छ सात आठ है ना, यही होता है ना, इसका तरीका यही होता है। लेकिन अब इसको खूबसूरत बनाना है थोड़ा सा, तो क्या करते हैं खूबसूरत बनाने के लिए, जब भी हमारे हैंड मूवमेंट जाते हैं, देखो एक बहुत अच्छा श्लोक है, अगर आपको पता होगा आपने सुना होगा, तो इसी ने हस्तक में शास्त्रों द्वारा ही लिखा हुआ है, यतो हस्त सतो दृष्टि है ना, यतो दृष्टि सतो मन, यतो मन सतो भाव और यतो भाव सतो रस, यानी जिस तरफ हाथ जाते हैं उस तरफ हमारी दृष्टि जाती है और जिस तरफ दृष्टि जाती है उस तरफ हमारा मन जाना चाहिए, जिस तरफ मन जाता है उस तरफ हमारे भाव जाना चाहिए और जिस तरफ भाव जाते हैं उस तरफ ही हमारा रस निकलना चाहिए। अच्छा भाव रस क्या है, ये भाव रस में बड़ी कंफ्यूजन होती है सबको, भाव तो वो होता है जो हम बोलते हैं है ना, इस सब्जी का कितना भाव हुआ है ना, और रस वो होता है जो हम पीते हैं, ऑरेंज जूस है ना, गन्ने का रस, यही है ना पक्का। और ये भाव, भाव का मतलब होता है एक्सप्रेशंस जो हमारे चेहरे पे है, और रस का मतलब होता है इमोशंस जो हमारे अंदर से आते हैं, हार्ट से। ओके, तो सबसे पहले क्या आता है, रस आता है कि भाव आते हैं, ये भाव आते हैं फिर सबसे पहले इमोशंस आते हैं, उसके भाव के बाद आते हैं भाव, और दोनों कहां से आते हैं, मन से आते हैं है ना, और मन कहां से आता है, दृष्टि से आता है, कि हम किसी चीज को देखते हैं तब हम उसकी रिएक्शन करते हैं है ना, और दृष्टि कहां से आती है, हमारे हैंड से आ रही है हस्तक में, तो यतो हस्त, जहां पर हस्तक है वही दृष्टि है ना, और जहां दृष्टि है वही हमारा मन लगा हुआ है, पर जहां मन लगा हुआ है वहीं हमारे भाव आ रहे हैं, और भाव आ रहे हैं तो हमारे अंदर इमोशंस पैदा हो रहे हैं, उसके लिए हुआ ये डन, आजकल ये होता नहीं है, आजकल हम सब अपने टेक्निकली वे में डांस करने लगे हैं, हाँ इतना अच्छा ये ता 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 टिक ता टिक टिक था है ना, बस टेक्निकली इतना बोला है भैया ने, इतना बोला है गुरुजी ने, इतना ही उठाना है, कुछ नहीं करना है, एकदम पूरा मेजरमेंट करके बना दिया उस डांस को, वो भाव वो रस खत्म हो गया, वो कैसे आएंगे, वो अंदर से आना चाहिए, वो स्माइल आना चाहिए, वो एक्सप्रेशन आना चाहिए, वो डिजाइनिंग आना चाहिए है ना। ये चीज बहुत शास्त्रों से ही स्टार्ट हुई थी कि हम कोई भी किताब को खोलते कैसे हैं, दिखाते कैसे हैं हाथों से, किताब खोल के दिखाओ जरा बैग से, किस तरीके से हम किताबों को खोलते हैं, किताब को खोलते हैं तो इधर से खोलते हैं, तो जितने भी हस्तक हैं हमारे वो खोलने पे आएंगे, उसको खोलना पड़ेगा, हमने बंद करके रखा है उसको, तो जब भी हम तर्क भी कर रहे हैं तो हम उसको खोल रहे हैं, हम साथ ही कहीं में उसको खोल रहे, तो जब भी हम इसको ओपन करते हैं तो किताब की तरह होना चाहिए। अब हम ये वाला हस्तक करने जा रहे हैं, तो यहाँ से हल्का सा खोलिए धीरे से, 1 2 ऊपर 3 4, अब देखो क्या हुआ, जब ये ऊपर उठा तो हमारा बॉडी हमारा चेस्ट के साइड से भी यहाँ से ऊपर जाना चाहिए उसी हस्तक के साथ, ये उसके बाद क्या जाता है ऊपर, हमारा नेक मूवमेंट, ये नेक के साथ हमारा हेड के साथ हमारी दृष्टि, तो ये इस तरीके से जाना चाहिए, 1 2 3 4,
अब चक्र हस्तक है, इसको चक्र की तरह घुमाएंगे, तो जब चक्र की तरह घुमाएंगे तो साथ में हेड भी घूमेगा और फिर वो वापस अब क्या होगा एल्बो के साइड से, हमारी जो एल्बो है यहाँ से हमें धक्का मार के पीछे आके और वापस ये धक्का मार के पीछे, है ना। तो वो जो टेक्निकल था वो चला गया ना, ये वाला 1 2 3 4 5 6 वो नहीं, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको ऊपर उठाया, बॉडी से ऊपर उठाया, ये आया है, ये गया, ये वापस आया और ये सामने, है ना। तो ये मूवमेंट हमारा बॉडी का ये आना चाहिए और ये ही बोलता है भाव, किस तरीके से भाव आ रहे हैं, इसी हाथ के साथ पूरे भाव के साथ ऊपर जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ये जो मूवमेंट होता है ये नहीं छोड़ना है, ये जो ऊपर उठाने का मूवमेंट होता है ऐसा लगना चाहिए कि कुछ पानी सा उठा रहे हैं, जो इसका पानी गिरते जा रहा है यहाँ से, हमने उसको छिटकार दिया, हम छिटकार हुए वापस आ रहे हैं और फिर यहाँ से उठाया हमने, फिर झटकारा, फिर वापस आया और फिर पहुंचे। इसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्व चक्र हस्त। अब मध्य चक्र हस्त है कैसा, सामने की तरफ यहां से निकलेगा सामने की तरफ, अब फिर वही बॉडी का मूवमेंट आगे की तरफ झुकाओ, जैसे लोगों को हम पेश कर रहे हैं सामने की तरफ, 1 2 3 स्टार्ट, यहां तक पहुंचे, यहां से बुलाना है ऐसे, कॉल करना है कि आ जाओ, कैसे ता ते आ ते ते ता ते नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह। मध्य चक्र हस्तक में एक और चीज बता दो, शायद आपको थोड़ा सा और उसके तरफ झुकाव आ जाए, हम जब आगे को जा रहे हैं तो आगे की तरफ झुकाव के हल्का सा झुका के हमने घुमाया और इसको कड़ी पे छोड़ना है, यानी हमारा ये जो वेस्ट होता है धक्का होता है उसपे हल्का सा यहाँ वजन होना चाहिए, तो यह आया 1 2 3 इसका ता है, जब हम यहाँ छोड़ते हैं तो ये एक डिजाइन बनती है और इसके बाद उठा के इसको वापस आते हैं, फिर ये है ये कटी पे बदल देना, यानी हमारे वेस्ट पे जब हम यहाँ घुमाते हैं पेड़ा वेस्ट के थ्रू फिर कॉल कर। अब तल चक्र हस्तक, वैसे ही तल हस्तक में क्या होता है, हमने इसको नीचे की तरफ घुमा के खोला, घुमाया सामने और फिर हमने वापस से क्या किया, वेस्ट पे अपना ये जो एल्बो है इसको घुमाने के बाद वेस्ट पे लिया, खींचा अपने तरफ थोड़ा खींचते हुए, फिर यहाँ पर छोड़ा सामने हुआ और सामने के बाद यहाँ जाने के बाद वापस से उसको बुलाना है, है ना, वापस से बुला, तो तल हस्त चक्र कैसे आएगा, 1 2 3 स्टेप, ता ते ते का ते आ ते ते ता ते आ ते ते ता ते आ ते ते और सूचिका में एल्बो से पीछे खींचे, क्या ध्यान रखना एल्बो जाएगी पीछे, 1
बना हुआ ऊर्ध्व कोण सूची का जो मध्य कोण सुचिता हस्ता कैसे आएगा पीछे की साइड आएगा मध्य कोण हमेशा पीछे यानी अगर मैं पीछे खड़ा हूं ऐसे तो मेरा मध्य कोण इस तरीके से आएगा आपके साइड है ना और फिर वापस सही सही ठीक है तल कोण सुचिता हस्तक तल वैसे ही है पीछे की साइड तल है ना तल कोण है शुरू जब हम दोनों हाथों से चक्र को घुमाते हैं तो वो शुरू कहलाता है ना और शोक का मतलब होता है एग्जैक्टली किसी ऊंची चीज से नीचे को गिरना उसको बोलते हैं शोक जैसे कोई झरना जो होता है पहाड़ी से पर्वत से जब नीचे गिरता है तो किस तरह से झरना गिरता है पर्वत से ट्रायंगल शेप में इस तरीके से और शोक का भी मुख क्या होता है ट्रायंगल शेप में नीचे को गिरना यहां से हमारी उत्पत्ति है उत्पत्ति से बॉडी मूवमेंट कैसे होगा श्रोत के साथ वही झुकाओ हल्का सा अपने हाथों के साथ अपनी दृष्टि को लेते हुए वन टू थ्री स्टार घुमा लिया और वापस आए कूल है ना बॉडी को बैंक करना इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 कोण हस्त